जिस आतंकी संगठन के दहशतगर्दों ने सीरिया को बर्बाद कर दिया, जिस आतंकी संगठन के शैतानों ने इराक को तबाह कर दिया, जिन हैवान आतंकियों ने हजारों लोगों का भयंकर कत्लेआम किया, उस आतंकी संगठन का झंडा श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लहराया गया। ये वो लोग हैं जो शायद बगदादी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, चेहरे पर नकाब, जुबान पर मजहबी नारे और हाथों में आईएसआईएस का काला झंडा। चेहरे पर काला नकाब लगाए ये शख्स मस्जिद के अंदर सामने मंच पर चढ़ जाता है और आईएसआईएस का झंडा लहराने लगता है। इस मंच के सामने नीचे भी कई लोग खड़े दिखाई देते हैं, उनके चेहरे पर भी नकाब है। वहीं सामने एक शख्स झंडा लहराने वाले शख्स को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जरा भी नहीं सुनता। इसी बीच नीचे खड़े लड़कों में भी एक शख्स बगदादी का झंडा लहराता है। ये वही मस्जिद है जहां मीरवाइज उमर फारूक मजहबी भाषण देते हैं। एक दिन पहले शुक्रवार को भी जुमे की नमाज के बाद मीरवाइज के जाने के बाद इन लड़कों ने आईएसआईएस का झंडा लहराया। जमा नमाज के बाद जब वहां से मीरवाइज उमर फारूक निकले, उसके बाद कुछ लोगों ने कोशिश की वहां पे चढ़ने की और ये झंडे फहराने की कोशिश की। पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है, बगदादी का झंडा लहराने वालों की पहचान कर रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से घाटी में आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा लहराया गया हो। पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। 3 नवम्बर 2018 एहतेशाम नाम के आतंकी ने धमकी के साथ आईएसआईएस का झंडा दिखाया। 22 अगस्त 2018 श्रीनगर में ईद के जश्न के दौरान झंडा लहराया गया। 16 जून 2018 पत्थरबाजों ने आईएसआईएस का झंडा दिखाया। 12 मार्च 2018 आतंकी के जनाजे में कुछ लोगों ने आईएसआईएस का झंडा लहराया।